झगड़ा हुआ ये जो उनका आदमी जो वृद्ध थे मोबाइल छीन लिहल लो, शायद मोबाइल का कवर में कुछ पैसा रहे 1000 की 1500 रुपये। बारह मई के रघुनाथपुर में एगो घटना घटल। रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल में एगो वृद्ध व्यक्ति के मौत हो गई और उसके बाद परिजन के द्वारा, हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट के घटना भइल, जौना में आरोप दोनों तरफ से लगावल जा रहा बा। जौन परिवार बा, जौना परिवार के व्यक्ति मरल रहे, उ लोग के आरोप बा कि हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग हमनी के पीटल, पुलिस के बुला के पिटवावल। जबकि हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों केस कैले बा 29 आदमी पर नामजद और 120 आदमी पर अज्ञात। अब हॉस्पिटल में हम पहुँचल बानी, चूँकि पहले रुआ देख चुकल बानी कि हम जब निकती गई रही तो वहाँ कौन तरह के बातचीत भवे, तब हॉस्पिटल में पहुँचल बानी जाने खातिर कि आखिर वाक्या का बा। हमारे साथे रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विजय शाह जी मौजूद बानी। सर बताई का मामला रहे वो दिन, आखिर का भई? एक रोगी वृद्ध आइलन, बहुत खराब कंडीशन में, बहुत गंभीर स्थिति में आए थे, जो कि जिसका कि बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था। हम लोग जो है कि हम डॉक्टर संजीव और दोनों आदमी जाके देखे तो उसका ऑक्सीजन लेवल 64% के आसपास था, जो बहुत कभी गंभीर स्थिति में था। प्राथमिक उपचार के बाद हम लोग उसको रेफर कर दिए, उसको एम्बुलेंस में उसको ले जाया गया। डॉक्टर हमारे संजीव बाबू एम्बुलेंस में जाके ऑक्सीजन खोल के उसको ऑक्सीजन लगा है, उसी दरमियान वो मर गया। उसके बाद उनके परिजनों द्वारा हंगामा किया गया, हम लोग अपना डर से दुबक गए थे। यही तो स्थिति है यहाँ। सर जोन मरीज रहे का वो कोरोना पॉजिटिव रहे? नहीं, वो जाँच नहीं हुआ था, जाँच नहीं हुआ था। वो कोरोना पॉजिटिव था या नहीं तो जाँच से पता चलता, लेकिन परिजन का कहना बा कि कोरोना के टेस्ट भई रहे, नेगेटिव रिपोर्ट रहे और डॉक्टर लोग मरीज के हाथ ना लगावल, इंजेक्शन भी ना लगेले, ऑक्सीजन भी ना लगेले। हमारे डॉक्टर साहब तो प्राथमिक उपचार भी किए, हमारा एम्बुलेंस में जाके उसको ऑक्सीजन भी लगाए हैं, उसी दरमियान वो मरा है। तो इलाज तो यहाँ हुआ ही है, उसका दवाई हुआ ही है। आखिर हंगामा का है भाई, झगड़ा का है भाई? झगड़ा हुआ ये जो उनका आदमी जो वृद्ध थे वो मर गए, इसके कारण हंगामा वो लोग किए। वो लोग आरोप लगा होता कि जाति सूचक शब्द के कहल बा कि चमार सियार सब बोलबा से ढेर सा तो नहीं के। नहीं, हम लोग तो ऐसा कभी बोल नहीं सकते हैं, तो गलत बात है। हालांकि हमारे व्यक्तिगत अनुभव है कि आज तक हम डॉक्टर के मारल ना पिटाईले सुन ले रही। हाँ, ये तो गलत बात है। हम लोग सेवा करने के लिए हैं यहाँ, हम लोग किसी को मारते पीटते थोड़ी हैं। हम ही लोगों को लोग मारते पीटते हैं, लेकिन मेरा काम है सेवा करना। हम न किसी को गाली देते हैं, हम न किसी को दुर्व्यवहार करते हैं। हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन में हम आम जनता की सेवा करते हैं। पता चला कि हॉस्पिटल के भी कुछ स्टाफ घायल भइल बाड़े? हाँ, कुछ हमारे गार्ड वगैरह हैं वो घायल हैं, उनको चोट लगी है। हाँ, 3-4 आदमी घायल है। तरफ से FIR भी कर लिया। हम लोग यह सूचना तो थाना को दिए कि हमारे यहाँ जैसे हंगामा, तो फॉर्मेलिटी है जी, वो तो जो नॉर्मल फेनोमेना है उसमें हम लोग एक लिखित सूचना दिए थाने वाले को कि जबकि तोनी के बाप के बुलाओ तनी है, तब तोनी के पिटवाए। नहीं तो गलत गेट बंद करके पिटल गई बात। नहीं तो गलत बात है, ये सही बात नहीं है। हम लोग क्यों कहेंगे, हम लोग तो सेवा करने के लिए, पिटने के लिए तो नहीं है ना। मेरे लिए तो जिस चीज़ के लिए हम लोग डॉक्टर बने हैं, सेवा करने के लिए बने हैं, हम लोग पिटने के लिए तो नहीं बने हैं। चलिए, तो ये टोटल मामला बा। हॉस्पिटल प्रशासन जो कह रहा बा, विजय शाह जी बनी जो उनकी चिकित्सा प्रभारी बनी, यहाँ के का नाम बा कि मरीज यहाँ आइल बा, हालत ख़राब रहुए, कोरोना के कोनो टेस्ट नहीं खेल, यहाँ के अनुसार ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हाँ, सस्पेक्टेड जरूर हुए, ये बात के टेंशन जरूर हुए कि पता ना मरीज के कोरोना बा कि नहीं थे। एम्बुलेंस में बॉडी लादल गिल बा और वहीं पे मरीज के डेथ हो गिल बा, उकरा बाद हंगामा भइल बा। जबकि परिवार जन परिवार के व्यक्ति मरल बा, वो परिवार के कहनाम बा कि हमनी के डॉक्टर द्वारा पिटल गिल बा। तो दोनों तरफ से यहाँ लोग के कहनाम बा कि सारा सर झूठ आरोप बा, वहाँ लोग आरोप लगा रहा बनी। अब आगे न्याय पुलिस प्रशासन करी, कोर्ट करी। हॉस्पिटल में ही बानी और हॉस्पिटल में हमरा पता चलल हो कि
प्रेमनाथ पांडे जी जौन की हॉस्पिटल के में अभी गार्ड बनी और यहाँ के भी वो दिन के जौन झगड़ा भइल बा विवाद भइल बा उमें यहाँ के भी मौजूद रहनी। वो दिन काहे विवाद भइल का भइ रहे वो दिन निकती के क्यों माझी जी रहे वहाँ के ऑक्सीजन लेवल कम रहे 60 के करीब रहे उमें ऑक्सीजन ले सब ट्रीटमेंट करके रेफर कर दिया गई और एम्बुलेंस में एम्बुलेंस से ऑक्सीजन लगा भी दिया गई। वो ऑक्सीजन लागत के पीरियड में एक आदमी से कहा कि एक धैल रहिए बाबू उनका परिवार के लोग के परिजन के वहाँ का धरे में छोड़े में कमी का चलते जावला होके वो एक्सपायर कर गई एक्सपायर कर गईला के बाद से उनका परिजन लोग एम्बुलेंस के MT के लागल लोग खोले राजेश यादव के मोबाइल छीन लिहल लो शायद वो मोबाइल का कवर में कुछ पैसा रहे 1000 की 1500 रुपये वो कहत रहा जैसे वो छीन लिया लो मारे लागल लो ओकरा बाद से वो भाग चल रहे हम जब वैक्सीन दिवावत रहे जब हम ड्यूटी में हल्ला भे तो हमहूँ दौड़ के अमी दौड़ के अला के बाद उनका में एक जन परिजन का करो कि झाड़ू लेके और ऊपर करवा लगे कहो ये कौन ड्रामा तो शुरू कैले बड़ा डॉक्टर के में का दोष बा मरे कर मर गई आदमी डॉक्टर के थोड़े लापरवाही बा कभी बा ए पर उठो तो एक जन हमारा गार्ड बड़ा गिरक्षक हरेंद्र सिंह राजपुर निवासी उनका के लड्डू लाठी मार दी हुआ ओकरा बाद उठो तो हमारा के मार दी हुआ तब तक हम थाना प्रभारी के कॉल करवी SP के जन कॉल करवी और थाना प्रभारी के नया प्रशिक्षु DSP विवेक कुमार शर्मा जी और दल बल के साथ आवी और इलाके बाद मामला के शांत करवी और शांत करवला के बाद से डेथ बॉडी एम्बुलेंस के साथ एक सेक्शन फोर्स दे के जैसे विदा करवी एक बात सुने में हुआ कि ओजू भाई सब नहर पर मारपीट घेर घर करके मारपीट कैले बा यह तो बा खबर है जाके बाबू तो रौरो चोट लागल बा हाँ हमरो चोट लागल बा पैर में देखिए यहाँ के चोट लागल बा तो महाराज पुलिस लोग के मारे ले कोरोना जब से आइल बा तब तो पुलिस तो माने ठेठावे के स्पेशलिस्ट हो गई भी है अब वो पिटा जाते हैं अब तो बात ही रहे बाबू कि हमनी के उम्मीद ना रहे कि तरह के लोग अदभद्र व्यवहार हमनियों के साथ करी अच्छा। लेकिन अब वो लोग जावला कारण बस चाहे द्वेष के भाव में चाहे जावला भाव से हमनियों पर वार करवे लो मर गए लो तो रहुआ देखनी हाँ बातचीत करनी हम हॉस्पिटल में विजय शाह जी बतैनी हो कि काका मामला रहे प्रेमनाथ पांडे जी बतैनी हो कि काका मामला रहे यह मामला बाटे ओह पक्ष के भी आरोप जौन रहे हम रउआ तक पहुँचैनी एह पक्ष के भी जौन बात बतौन रउआ तक पहुँचैनी आगे भी जौन पक्ष बा कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी रहे जे मामला के देखले बने तो हम खोजे के कोशिश कर रहा बनी जे कि दोनों तरफ के नहीं ना प्रशासन के बा आ ना ही निखती के बा वो एकदम अलग बा ओकरा खोजे कोशिश करतनी कि आखिर मामला पूरा का रहे तो मिली तरह तक जरूर पहुँचाएँ तब तक रुआ देखत रही मैच बॉक्स।